सो हाय वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत आप सबको क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में। सो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रेंडिंग कमेंट है, क्वाइन स्विच में पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है, यूपीआई डिसेबल कर दिया है और साथ में यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप पैसा डिपॉजिट करेंगे नहीं तो ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे तीन बेस्ट प्रॉफिटेबल क्वाइन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो ऑल अबाउट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो में आप लोग बने रहें, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर ले, ताकि आगे चल के आने वाले हर नए वीडियो जानकारी आप लोग को मिलते रहे। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं, ट्रेडिंग बाबा के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट क्रिप्टो करेंसी रिगार्डिंग मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहला दोस्तों कि यहाँ पे यूपीआई आईडी डिसेबल कर दिया गया है, तो मैं क्वाइन स्विच के कस्टमर केयर से संपर्क किया हूँ, मीन्स ट्विटर अकाउंट से मैं संपर्क किया हूँ। वहां पे क्वाइन स्विच के कोई भी हेल्पलाइन नहीं दिया है, जैसे आप लोगों को भी बताया, तो मैं ट्विटर के हेल्प से क्वाइन स्विच के कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया हूँ, तो वहां से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि क्यों डिसेबल हुआ है यूपीआई। तो वहां से भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अगर रिस्पॉन्स आता है तो आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जब आप जाएंगे INR डिपॉजिट करने के लिए क्वाइन स्विच में, तो वहां पे आपको अकाउंट नंबर के थ्रू बोल रहा होगा कि NEFT कर दे, फिर RTGS कर दे, IMPS कर दे। तो दोस्तों वहां पे भी कुछ चेंजेस किया गया है, और मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा मतलब मैं अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट करने के लिए कोशिश किया हूँ, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बार बार फेल आ रहा है। जैसे आप साइड में स्क्रीन देखेंगे कि योर रिक्वेस्ट वाज अनसक्सेसफुली ड्यू टू इश्यू एट रिसीवर बैंक। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो मैं जो अकाउंट नंबर दिया हुआ क्वाइन स्विच, वहां पे जब पैसा भेज रहा हूँ तो रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब उधर से टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑल अबाउट यही है कि यूपीआई भी डिसेबल कर दिया है, और जब अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ तो वहां भी रिसीव नहीं कर रहा है। बट दोस्तों अगर आप लोग का रिसीव करता है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं कि अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट करें, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि जब आप INR डिपॉजिट पे जाएंगे तो देखेंगे यूपीआई डिसेबल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें कि आप NEFT के थ्रू करना चाहेंगे, फिर RTGS हो, फिर IMPS के थ्रू करना चाहेंगे, तो जब उसपे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रहा है कि बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स हैज बीन चेंज, प्लीज अपडेट और एड बिलोंग डिटेल्स टू इनेबल बैंक ट्रांजेक्शन। मतलब दोस्तों कि क्वाइन स्विच का जो अकाउंट नंबर है, जो पहले था, अगर आप लोग पहले अकाउंट के थ्रू कर रहे होंगे तो पहले कोई और अकाउंट नंबर था, बट अब चेंज कर दिया गया। अगर आप लोग बेनिफिशियरी पहले वाले अकाउंट को एड करके रखे हैं, आप चाह रहे हैं वहीं से मतलब डिपोजिट कर ले, तो आप कुछ सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, नया वाले अकाउंट नंबर जाके आपको बेनिफिशियरी में एड करना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे प्लीज नोट नीचे दिया हुआ है कि डिपॉजिट एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम योर रजिस्टर अकाउंट। मतलब दोस्तों क्वाइन स्विच में जो बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हैं, जहां पे आप मतलब विड्रॉल के लिए रखे हैं, तो उसी अकाउंट नंबर से आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ICICI बैंक कस्टमर्स नीड टू एड दिस बेनिफिशियरी एज अदर बैंक। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप बेनिफिशियरी एड कर रहे हैं तो वहां पे एज ए अदर बैंक आपको यूज करना, लाइक वहां पे ICICI बैंक है तो वहां पे एज ए अदर बैंक आपको सिलेक्ट करना है, तब जाके आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप लोग क्वाइन स्विच के बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू आप मतलब डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो। और बाकी बात जैसे कुछ अपडेट आता है क्वाइन स्विच की तरफ से, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा यूपीआई वाले। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि मतलब आज का जो तीन बेस्ट प्रॉफिटेबल जो क्वाइन है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नैनो का, क्योंकि दोस्तों अभी मैं जो भी क्वाइन के बारे में बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आज से 10 दिन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक महीना पहले, और आप लोग काफी अच्छा उसमें प्रॉफिट ले चुके हैं। बट अगेन जो लोग नए लोग हैं, या फिर आप लोग अगेन मौका है इसमें इन्वेस्ट करने की, आज सैटरडे है, आज और कल तक इसका मार्केट डाउन रहेगा, तो आप लोग चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नैनो क्वाइन है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है। नैनो NANO आप लोग साइड में देख ले, आप लोग सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं जाके अपने रिस्क पे। दूसरा जो क्वाइन है दोस्तों, जो कि मात्र
एक सप्ताह में काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया है। ENJ जो कि बहुत ही कमाल का है, एक सप्ताह पहले इसका मात्र 15 रुपया प्राइस था, आज के डेट में इसका हाईएस्ट क्या हुआ है 50 रुपया प्लस चला गया है। तो इसका भी मार्केट डाउन है, आप लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क पे। बहुत ही कमाल का प्रॉफिटेबल करेंसी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा जो बात करेंगे दोस्तों, JEM, आप लोग चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो 3 क्वाइन के बारे में बताया हूँ, तीनों लॉन्ग टर्म के साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देगा, काफी अच्छा करेंसी है। तो आप लोग चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें और एक शेयर बनता है, और किसी भी प्रकार के डाउट कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।